नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर चंबा हलचल के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूं। और आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे बीच एक खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, वो खास मेहमान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, इन्होंने चंबा रुमाल में जो है पूरे देश विदेश में एक अलग पहचान बनाई है और चंबा ही नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाल ही में उनका नाम जो है पद्मश्री के लिए चुना गया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और मैं आज गर्व महसूस कर रही हूँ जो आज उनके साथ आई हूँ या उनसे उनके बारे में जानने के लिए उनके निवास स्थान पे पहुँची हूँ। जी हाँ, आज हम उनके बारे में जानेंगे किस तरह से उनका सफ़र रहा है और क्या कुछ मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँची है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज भी चंबा ज़िला जो है वो पिछड़ेपन के लिए जाना जाता है, लेकिन चंबा ज़िला से संबंध रखने वाले कई ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन किया है, चंबा ज़िला का नाम रोशन किया है और एक अलग पहचान दिलवाई है। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत हैं जो आज हमारे बीच मौजूद हैं। तो आइए आपको रूबरू करवाती हूँ मैं चंबा ज़िला से संबंध रखने वाली ललिता वकील जी के साथ। तो मैम, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, स्वागत, थैंक यू। वैसे तो मैम आपको पूरा देश जानता है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई और ये चंबा रुमाल के लिए आपका किस तरह से रुझान हुआ और कब से हुआ। जी, मैं एक्चुअली ना सपड़ी मोहल्ला चंबा, वहाँ मेरा जन्म हुआ। ये चोना फैमिली, मेरे फादर ये डीसी ऑफिस में क्लर्क थे, तो उन्हीं के घर मेरा जन्म हुआ। ये 14 अप्रैल 1954 में मेरा जन्म उधर सपड़ी मोहल्ला में हुआ और वहीं से मेरी शिक्षा यहीं हाई सेकेंडरी करी मैंने। और इस बीच जो हाई सेकेंडरी हुआ, उस वक्त ऐसा होता था कि ये मतलब 2 महीने की छुट्टियां पूरी गर्मियों में पढ़ती थी और छुट्टियां भी काफ़ी बीच में आती थी। तो इस बीच में जैसे स्कूल में जब पढ़ती थी तो मैं सारी गेम्स खेलती थी, सारी गेम्स मतलब बैडमिंटन, वॉलीबॉल, एनसीसी की सार्जेंट, सीनियर सार्जेंट रही हूँ 3-4 साल। और उसके बाद फिर ये काफ़ी मतलब गेम्स में मैंने काफ़ी वो हासिल किए हैं, स्टार या मेडल जो भी, काफ़ी कुछ किया। और इसी बीच में था मुझे कि जैसे हम लोग गरीब फैमिली थे से,
तो उसमें ऐसा था कि उस वक्त जैसे हम लोग सिलाई बुनाई काफ़ी करते थे, जैसे कपड़े की सिलाई खुद सीखी तो क्या खुद ही कर लेते थे, जैसे बचपन में जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ती हैं इंसान को तो वैसा वैसा इंसान करता है। तो वहीं से हम लोगों ने, मैंने वहीं से ये स्टार्ट किया था। तो स्कूल में भी जैसे चंबा कढ़ाई का जैसे सारी एम्ब्रॉयडरी सिखाते थे, एक पीरियड होता था हमारा, तो उसमें जैसे एक छोटा सा फूल चंबा का सिखा दिया, भरमा कढ़ाई सिखा दी, सिलाई का काम सिखा दिया, क्रॉस स्टिच सिखा दिया, तो वो सब हम लोग करते थे। छुट्टियों में जैसे चादरें बनाना, मतलब बेडशीटें क्रॉस स्टिच की, थोड़ा सा चंबा और माल का कर लिया, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करते थे जी, वैसे मतलब जैसे वो करते थे। पर जब जैसे मेरी मतलब जैसे मैंने ये पास किया तो उस वक्त थोड़ा चंबा रुमाल में मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि एक्चुअली चंबा रुमाल देखने में थोड़ा कलरफुल है और अच्छा है, तो थोड़ा इंटरेस्ट मेरा इसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा हुआ। इस बीच मेरी शादी होगी, हाई सेकेंडरी के बाद मेरी शादी होगी, तो 71 में मेरी शादी होगी थी, तो 71 में जब यहाँ आई अपने ससुराल, मेरी ससुराल भी यही है, हमारी डॉक्टर ज्ञानचंद की फैमिली है, वकील फैमिली, मशहूर फैमिली है, तो ये तो काफ़ी अच्छी फैमिली थी, मैं क्योंकि मेरे गुणवत्ता को देखते हुए इन लोगों ने मेरे साथ रिश्ता हुआ। मेरे जो हस्बैंड है वो जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स ये बॉम्बे के टॉप पर रहे हैं जी। तो मेरी शादी के बाद फिर ऐसा ज़्यादा टाइम थोड़ा फ्री रहता था ज़्यादा, तो मैं तो अपनी जैसे लगी रहती थी करने, तो मेरे फादर इन लॉ मुझे बोलते थे कि बेटा आप ना ऐसा इतना काम करते हो, ऐसे ये कढ़ाई और सिलाई सिलुई का इतना अच्छा आपका हाथ है, तो आप ऐसा करो कि भाई जो बच्चे हैं गरीब मोहल्ले के या दूसरे कहाँ, तो आप उनको लेके आओ, तो आप उनको सिखाया करो, तो सारा दिन फ्री में क्या करना आपने बैठ के। तो मैंने फिर जैसे घर घर से कुछ एक लेडीज़ को लेके आती थी तो सिखाती थी, फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जैसे वो लेके आती थी उनको, तो बेचारे सारे गरीब होते थे उस वक्त। मैंने आपको बताया ना कि देखो 240 रुपए का 10 ग्राम गोल्ड मिलता था मेरी मतलब उस टाइम, और मेरी शादी में उस टाइम तो बड़ा मतलब पैसा इतना होता नहीं था, तो उस वक्त फिर मैंने ऐसा क्या किया कि भाई चलो ऐसा कि जैसे डिप्टी कमिश्नर से मिले, फिर ये जो हमारे आईटीआई मतलब ये जीएम, ये इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था वहाँ के जीएम से मिलती थी, तो ऐसा करते थे कि वो लोग थोड़ा थोड़ा करके जैसे 15-20 रुपए 25 रुपए ना पर महीना उन लड़कियों को स्पॉन्सर करवाते थे थोड़ा सा ना भाई, ताकि थोड़ा बच्चे इंटरेस्ट भी लें और इस काम को भी थोड़ा सा सीखें। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे मैंने शुरू किया। इस बीच मैंने ऐसे ही फ्री में बैठे थे तो चलो क्या करें, ऊपर रंगमहल चले गए कि चलो भाई आईटीआई के 2 साल ट्रेनिंग कर, एक साल कटिंग की करी, 1 साल एम्ब्रॉयडरी की करी, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा जैसे इसमें मेरा हाथ बहुत अच्छा था एम्ब्रॉयडरी में ना, तो और तो फिर वहाँ जैसे जो जीएम वगैरह थे तो उन्होंने कहा कि नहीं भी चलो हम लोग एग्जीबिशन लगाते हैं मिंजर फेयर में, तो वो ऑनर करनी, पर वहाँ भी जैसे नहीं सर प्लीज़ हम बच्चों को दिहाड़ियाँ दीजिए, मुझे तो मैं अपने पर ज़्यादा नहीं वो करती थी, पर जो भी साथ में लड़कियाँ वगैरह होती थी तो उनको तो वो दे देते 30 रुपये डेली के साथ और क्या, थोड़ा थोड़ा मतलब ना काफ़ी। तो इस बीच फिर मैंने जैसे शादी के 3-4 साल के बाद तो काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया था मैसेज प्रॉपर तरीके से ना, तो मेरे इधर मेरे हस्बैंड के एक इधर ये हैं कज़न हैं देव बड़ोत्रा जी, अब तो वो नहीं रहे, 6 महीने पहले उनकी डेथ होगी, तो वो भी आर्टिस्ट थे, वो भी मतलब जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के वो रहे हैं, तो उनको साथ में मिला के फिर हम लोग कुछ डिज़ाइन करते रहते थे और उन डिज़ाइनों को हम लोग ना बनाते रहते थे कि भाई ये कैसा बनाना है, ये कैसा करना है। वहीं से ज़्यादा जो था ना, वहीं से मुझे ज़्यादा वो मैं प्रेरित हुई वहीं से। और फिर हमने क्या किया, जो चंबा रुमाल था जैसे मैं ये, फिर मुझे ना उस टाइम पर बड़े पहले पहले शुरू हुई नेहरू रोज़गार योजना शुरू हुई, फिर वो तो वो सबसे पहले पहले जो था वो जैसे डीसी साहब से जाते थे, तो हम वहीं से उनसे लेके बच्चों को जैसे 25-30 बच्चे तो चले रहते थे, 3 महीने 6 महीने साल की ट्रेनिंग चली रहती थी, मैं घर भी चलाती थी और चली रहती थी मेरी जी। तो इस बीच मैंने काफ़ी मतलब बच्चों को वो तो मैं करती थी उनको, क्या जैसे कोई 8th पास है 5th मतलब फेल है, तो मैं जो भी लेडीज़ या लड़कियां आती थी सीखने के लिए तो उनको क्या करती थी मैं कि भाई चलो आप 5वीं पास हो तो चलो आप फेल हो तो या पास हो तो चलो आप 8th का भर दो, तो आपको पैसा उस वक्त कितना लगता था जैसे 15-20 रुपये एक लगते थे फार्म भरने के, एडमिशन वो पेपर देने के लिए,
तो वो मैं बच्चों को जो नहीं करती थी उन बच्चों को कर देती थी। किसी को टेंथ करनी है, किसी ने नाइन्थ किया हुआ, तो मैं बोलती थी टेंथ का भर दे, कम से कम टेंथ तो कर ले क्लियर, हाई सेकेंडरी तो कर ले तो क्लियर। तो इस तरह से बच्चों को, और कई बच्चे चाहते थे कि हम लोग कटिंग भी सीखें, तो मैं उनको एक घंटा देती थी कि चलो एक घंटा आप सब आप छोड़ दो ये चंबा कढ़ाई का काम, मैं एक घंटा आपको कटिंग सिखा देती हूँ, और एक घंटा कटिंग के बाद फिर चंबा रुमाल का काम कर। इसी तरह से काफ़ी बच्चों को मैंने ना आगे चलाया, सिखाया, पढ़ाया भी, थोड़ा एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दिया, सब कुछ धीरे धीरे करती गई। पर इस बीच ही मैंने ना वो जो चंबा रुमाल का पुराना जो था टच, उसको तो रखा ही रखा मैंने, पर मैंने नई तकनीक भी जरा इसमें डालना शुरू कर दी। वो देव बड़ोत्रा जी की मतलब उनसे वो करके सलाह वगैरह करके मशवरा करके कि नहीं हमें ये नहीं बनाना ये बनाना है, तो उस चीज़ उसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना वो अलग, जैसे सिल्क के ऊपर चलाना, टसर सिल्क के ऊपर काम करना, किसी दूसरे कपड़े के ऊपर काम करना। चंबा जो रुमाल पहले थे वो तो सारे वायल मसलिन होती थी, मसलिन के ऊपर ही बनते थे, पर इस बाद में मैंने ये जैसे सिल्क या दुपट्टे, फिर ये स्टॉल शॉल अलग अलग डिज़ाइन में, जैसे पहले तो जैसे होता था कि जैसे बेले उल्ले बना देते थे सारे शॉल पर, वो मैंने उस ट्रेंड को एक तरफ रखा, और फिर दूसरा जो था ना उसको मैंने मतलब वो करके कि इसको अलग कैसे करना है, इसमें जैसे फिगरे डालनी है या बेल में कोई मतलब जानवरों के अलग से सीन दे दे, मतलब सीक्वेंस के हिसाब से कि कैसे उसका वो थीम जो बनाया जाए वो अच्छा हो और वो शॉल भी अच्छा लगे या कोई चीज़ जो हम बना रहे हैं वो भी अच्छी लगे। चंबा रुमाल की बात करें तो ये देश ही नहीं पूरे विदेश में भी बहुत पॉपुलर है, तो विदेश तक इसे पहुँचाना किस तरह से आपको पहुँचाने में आपने अपना कार्य किया है, लोगों तक पहुँचाया है, क्योंकि विदेश में बहुत पसंद किया जाता है। जी जी बिल्कुल, मैं काफ़ी जगह गई हूँ विदेश, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीक, रोमानिया, मुझे सॉरी याद भी नहीं आ रहा है कि कितना, पर ये है कि देश विदेश काफ़ी घूमी हूँ मैंने काफ़ी, और वहाँ मुझे उन्होंने ना पूरे उसके सर्टिफिकेट और मेडल भी दिए उन्होंने मुझे इस चंबा रुमाल के लिए। उनको इतना पसंद चंबा रुमाल आया ना कि आप कभी मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि कितनी रिस्पेक्ट उन लोगों ने मुझे उधर दी है। जी तो जब आप वहाँ पे जाते थे विदेश में, क्या फीडबैक, मतलब किस तरह से लोग आपको कहते थे कि आप कैसे समझाते थे ये ऐसे वैसे, और क्या चीज़ देख के वो रुमाल खरीदते थे? उनको ये एक्चुअली जो हमारी इधर ये जो मिनिएचर है इसकी कलर स्कीम, इसके ऊपर ये दो रुखा मतलब दोनों साइड से एक जैसा, इसलिए उनको बड़ी हैरानी। उन्होंने एम्ब्रॉयडरी तो काफ़ी देखी है सिंगल साइड वाली, पर जब वो दो दोनों टाइप से देखते थे कि दोनों टाइप से हमारा ये एक जैसा है, तो उनको इस चीज़ की बड़ी अचंभा होता था कि ये कैसे बना दिया, ये दोनों साइड से करते हो आप? भाई नहीं, हम दोनों साइड से नहीं, एक साइड से करते हैं, इसकी एक तकनीक है करने की कि एक साइड से करो तो दोनों साइड दिखाई देता है। जी तो आज के समय की बात करें तो विदेश में आज भी ये चंबा रुमाल जो है जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जाता है, मैं ही कितनी बार लेके गई हूँ इसको ना, पर ये है कि काफ़ी मतलब काफ़ी लोग पसंद करते हैं इसको, और लेके भी जाते हैं इधर, फॉरेनर काफ़ी लेके जाते हैं इधर से पसंद करके। पर ये है कि आज जैसे ये इतना बल्क, जैसे मुझे बोला गया कि भी एक्सपोर्ट के लिए आप तैयार के, पर इतना ज़्यादा बल्क में नहीं बन पाता है ये जितना कि वो चाहिए ना पूरा, इतना वो बहुत मुश्किल है इसके लिए, बहुत मुश्किल है इसके लिए। जी तो किस तरह से ये सही हो सकता है, जैसे मुश्किलें जो हैं, जो भी छोटी मोटी मुश्किलें अभी भी हैं चंबा रुमाल को लेके? वो तो देखिए हर उसमें आएंगी छोटी मोटी मुश्किलें, तो हर उसमें हर मतलब उसमें आती हैं और आती रहेंगी। वही है ना कि यहाँ एक तो ये पेटेंट हो गया है, अब तो चंबा के ही जो प्रॉपर लड़कियाँ हैं वो कितना कर पाएंगी, जो हमारे इतना बड़ा हिंदुस्तान है इसको पूरा करना, इसकी मतलब जो वो इसका जो चंबा रुमाल को जैसे इतनी जगह तक पहुंचाना, तो वो तो यही है कि जैसे जैसे यहाँ से बाहर निकलते जाएंगे बच्चे या टीचर या स्टूडेंट जो भी हैं, तो वो इसको जगह जगह फैलाएंगे तो ही इतना सक्सेसफुल हो पाएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करेंगे तो इस चीज़ को तभी सक्सेसफुल हो पाएगा। जी तो जैसे कि आज के समय में भी अगर गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पे सिखाई जाती हैं ये चीज़ें? आजकल का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी वो नहीं किया, पर हमारे टाइम पर तो होता था। हाँ पर आजकल का मुझे पता नहीं है, पर वैसे मेरी जो बेटी ने यहाँ हाई सेकेंडरी करी थी स्कूल में, तो वो तो करती थी, उसने स्कूल में ही सीखा था कटिंग और ये एम्ब्रॉयडरी स्कूल में ही सीखी थी उसने। जी
तो जैसे कि आपने भी स्कूल से स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं यही कि स्कूल से ही स्टार्ट हो ताकि बच्चे जो हैं वो समझें इन चीज़ों को और आने वाले समय में जो है इसी तरह नाम जो है वो अपना भी बनाए एक चमकाए पूरे देश भर में। दिखाती हूँ जैसे यहाँ मैं जैसे रंगमहल में थी तो मास्टर हंसराज जी थे उनको भी मेरिट सर्टिफिकेट मिला था इसमें चंबा रुमाल में। तो वो चंबा रुमाल के पहले वही उनके जो फादर थे वही बनाते थे। चंबा में एक वही परिवार था जो कि ये जो मैनेजर था चंबा रुमाल का वो बनाता था और वहीं से वो स्टार्ट भी और वही करते थे। हम मैंने भी बहुत सारे उनसे रुमाल बुनवाए थे जैसे मेरा जो पहला नेशनल अवार्ड का रुमाल था तो वो उन्हीं ने बनाया था। तो उन वो काफ़ी काम मतलब चंबा रुमाल के ऊपर करते थे। महेश्वरी देवी जो थी तो उनको 65 में मिला था प्रेसिडेंट अवार्ड चंबा रुमाल के लिए पहली बार। तो उन्होंने काफ़ी काम किया। उन्होंने तो देखिए जब वो मैंने बोला ना जो हमारे ये 1911 में जब हमारे ये थे भूरी सिंह जी वो जो दिल्ली राजधानी हुई थी हमारी ये शिफ्ट कलकत्ता से मुगलों के उसके ब्रिटिश सरकार की तो वहाँ जो दरबार जो लगा था तो यहाँ से उन्होंने उस टाइम पर वो मेरे ख्याल से 11 साल की रही होंगी जो उन्होंने यहाँ से भूरी सिंह ने उनका भी हाथ उसमें रुमाल का बना हाथ वो उधर प्रेजेंट किया था। तो वहीं से जो देखा उन्होंने जो जॉर्ज पंचम आए थे वहाँ तो उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर है ये क्या चीज़ है अभी ये चंबा से भेंट आई है। तो ये तो उन्होंने बोला अच्छा चंबा से तो ये चंबा रुमाल के नाम से इसको दे दिया गया तो चंबा रुमाल के नाम से ये चंबा रुमाल का नाम वहीं से इसका वो पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब था कि ये उनको उनके 30 साल के बाद 65 में उन्हें मिला था तो उनके 30 साल के बाद मुझे मिला क्योंकि इस बीच जो वो चंबा रुमाल इतना हाईलाइट नहीं था मतलब इतना देश विदेश में नहीं था तो वो सारा इतना जो गया सारा इतना हुआ वो सारा मैंने इसको रिवाइव भी किया हाईलाइट भी किया इसको यहाँ तक पहुँचाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है जी। जब बचपन में बच्चे होते हैं तो बच्चों का सपना होता है हम डॉक्टर बने इंजीनियर बने टीचर बने लेकिन अगर आपकी बात करें तो आपने चंबा रुमाल ही क्यों चुना आपका बचपन से ही इंटरेस्ट रहा है? नहीं ऐसा है कि मैंने बोला ना आपको उस वक्त गरीबी बहुत थी। अगर वैसे मुझे था कि मैं जैसे मिलिट्री में जैसे जहाँ एनसीसी में थी टॉपर उसमें रही हूँ सीनियर सर्जेंट या मैं उसमें जाऊँ पर ऐसा था कि उसके लिए पैसा चाहिए होता था तो पैसा हम लोगों के पास नहीं था तो मैं वही काम आसानी से कर सकती थी जो कि ईजी मेरे से हो जाता था मतलब जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगता था जी। चंबा रुमाल की बात करें तो जैसे इसके धागे रहते हैं जो कि खास बनाता है एक रुमाल को खास बनाता है तो क्या कॉस्ट रहती है इन धागों की जो आम लोग जो हैं या गरीबी में हैं वो लोग भी बना सकते हैं खरीद सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादातर देखते हैं कि अमीर लोगों के घरों में जो है चंबा रुमाल देखा जाता है तो इसकी कॉस्ट काफ़ी महंगी होती है लेकिन अगर कोई गरीब बच्चा है वो खुद बना के भी अपने घर में लगाना चाहे तो धागे से लेके कपड़े की कॉस्ट कितनी तक की रहती है? देखिए ऐसा है मैडम कि धागे का तो कोई मोल नहीं है क्योंकि बड़ा कम रेट में मिल जाता है जो कि आम आदमी भी गरीब से गरीब बच्चा भी खरीद सकता है। उस टाइम कितना होता था देखिए 1-2 रुपए की रील मिल जाती थी सुइयें बहुत 1 रुपए की 10-15-20 सुइयें मिल जाती थी। वो इसकी कॉस्ट जो चंबा रुमाल की है वो धागा और कपड़े की इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मेहनत और निकालने की है। ऐसा है कि जैसे कपड़े के ऊपर प्रिंट करना या उसकी छपाई करना तो वो और ये इसको ज़्यादा निकालना इसका ज़्यादा मोल है जी और टाइम क्योंकि ये बहुत पेशेंस वर्क है। ये सिंगल साइड से करना होता है तो डबल साइड हो जाता है एक करने का तरीका है इसको बोलते हैं हम लोग डबल साटन स्टिच भी बोलते हैं और ये 2 रुखा भी बोलते हैं इसको। तो यही ज़्यादा मेहनत का काम है इसका। पहले तो देखिए वो था रेशम कच्चा रेशम काट के बनाते थे डाई भी खुद ही करते थे आजकल तो वो सब नहीं है तो आजकल सब फिर ये जो आर्ट वाला सिल्क है तो वही मिलता है। धागे तो काफ़ी कम सस्ते मिलते थे अब ज़्यादा महंगे हुए हैं जैसे 20-25 रुपए की एक रील आती है पर पहले तो नहीं था इतना पहले तो बहुत कम रेट थे इनके जी। तो अगर समय की बात करें तो चंबा रुमाल बनाने में एक रुमाल बनाने में कितना समय लग जाता है? देखिए ऐसा है कि डिपेंड करता है कि जैसे मैं आपको बताऊं 1 फुट बाई 1 फुट का रुमाल है
तो उसमें आपको महीना लग जाएगा बनाने में, क्योंकि देखो धागा जो होता है उसको दो रुखे धागे को चीर के हम बनाते हैं, तो थोड़ा स्लो वर्क है ये। तो दूसरा ये है कि इसमें ना अगर आप एक बड़ा पीस लेंगे या सिंगल लेंगे, तो सिंगल एक फिगर जैसे 3-4 इंच की फिगर है तो कम से कम 2 या 3 दिन में बनाएंगे, तो नेचुरली है उसका रेट 400-500 रुपया तो हो ही जाएगा, 250-300 रुपया तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि चंबा रुमाल छोटे या कम रेट के नहीं बनते हैं, बनते हैं, कम रेट में भी बनते हैं, पर वो है कि उसमें जैसे सिंगल फिगर आएगी या फूल पत्ती हो तो इतना इंटरेस्टिंग और मज़ा नहीं आएगा उसका। तो जो पूरे थीम में बनते हैं, जो ट्रेडिशनल बनते हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा है, वो जो उसकी मिनिएचर बनानी पड़ती है, मिनिएचर तो इसमें 2 लोगों का ही काम है, पहले एक मिनिएचर वाला मिनिएचर बनाएगा, वो थीम बनाएगा, फिर वो एम्ब्रॉयडरी वाला उसके सेट करेगा कलर, फिर कलर सेट करके उसको निकालेगा। तो एक परफेक्ट जो चंबा रुमाल है तभी बन पाता है जब इसकी कपड़ा अच्छा हो, कपड़ा अच्छा हो, उसकी मतलब जो मिनिएचर बनानी है, जो थीम सोचा है वो अच्छा बनाए, और ऊपर से कलर स्कीम अच्छी हो और एम्ब्रॉयडरी अच्छी हो, तभी एक परफेक्ट चंबा रुमाल बन पाता है जी। तो चंबा रुमाल में जो डिज़ाइन रहता है, तो अधिकतर उसमें कौन सा डिज़ाइन बनाया जाता है? इसमें देखो ज़्यादातर तो जैसे पुराने हैं वो कृष्णा के ऊपर हैं, मैरिज सीन है, रुक्मणी हरण के मतलब सीन है, महाभारत भी है, मतलब कृष्णा के ऊपर मैक्सिमम चलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि दूसरे गॉड के या दूसरी जैसे गुरु नानक के ऊपर बनाए हैं, फिर इसमें मेरे ख्याल से ये सूरज के ऊपर मतलब बने हैं, सूर्य देव के ऊपर काफ़ी उसमें बने हैं, सब उसमें बना सकते हैं, पर कृष्णा के क्योंकि एक तो स्टोरी मतलब लव स्टोरी इसकी जो है बड़ी अच्छी हैं, नायिका भेद हैं इसके जैसे दूसरे, और कई ऐसे जो थीम हैं जिनके ऊपर बहुत सुंदर लगता है जो बनते हैं जी। तो देखा गया है कि आप काफ़ी सालों से जो है अपना समय दे रहे हैं चंबा रुमाल के लिए, तो आपके पास काफ़ी महिलाएं जो हैं वो सीख के गई भी हैं, कुछ सीख भी रही होंगी, तो अब तक आपने कितनी महिलाओं को या लड़कियों को आपने ज्ञान दिया है, और आज के टाइम में अगर उनकी बात करें तो क्या वो घर बैठ के ये रुमाल बना के अपना कारोबार चला पा रही हैं? ऐसा है कि देखिए ये जो है ना लड़कियां, तो देखो 50 साल मुझे पूरे हुए, तो 50 सालों में शुरू से मैंने काफ़ी लड़कियों को ट्रेंड किया है, बड़ी ज़्यादा लड़कियां ट्रेंड की हैं, कुछ एक लड़कियों को अवार्ड भी मिले हैं, और कुछ एक मैक्सिमम लड़कियां अपना घर चलाती हैं जो मेरी सीखी हुई लड़की हैं, या मेरी या और भी सिखाते हैं सब, पर मैक्सिमम लड़कियां अपना काफ़ी पैसा कमा लेती हैं इस मतलब इनको चंबा रुमाल को सीख के, इनको बना के, इनको सेल, आजकल तो काफ़ी मतलब गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, जगह जगह उन्होंने जैसे शोरूम खोले हैं, डलहौजी में है इन्होंने खोला हुआ, ये खजियार में है, उधर भलेई वाली मंदिर में उधर का खोला हुआ उन्होंने, तो इस तरह से काफ़ी जगह अब तो काफ़ी, पहले जब हमने शुरू किया था तब इतना नहीं था जी। तब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, जैसे चंबा रुमाल थोड़ा बड़ा ख़त्म था, इतना हाईलाइट भी नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था, तो मैंने बोला ना कि ये मेरी सारी 50 सालों की मेहनत थी कि मैंने इसको इतना हाईलाइट किया, इतना बच्चों को सिखाया, आज भी मैं बच्चों को देखी, आज भी दो बच्चियाँ आज भी आई जो कि फ्री में बेचारी, उनको मैंने कुछ नहीं लिया फीस वास, बोले आंटी फीस, मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे ही सीखो आप फीस, तो वो बेचारी बड़ी खुश हुई, तो मैं आज भी बच्चों को फ्री सिखा रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि बच्चे देखो जो पढ़ नहीं सकते हैं, कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, लेडीज़ या लड़कियाँ जो भी हैं, तो कम से कम इस काम को सीखें, तो ये है कि एक तरफ तो ये ज़िंदा रहेगा हमारा चंबा रुमाल, इसका इस तरह से ज़िंदा रहेगा, आगे भी चलेगा, और कम उनको जो लेडीज़ सीख रही हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं, उनको इनकम भी हो जाएगी जी। तो अब बात करते हैं पद्मश्री की, बहुत बड़ा अवार्ड है और हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे हिमाचलवासी जो हैं बहुत खुश हैं, क्योंकि चंबा रुमाल का जो अवार्ड है वो आप जो हैं पहली महिला हैं जो कि चंबा के लिए लेकर आए हैं, हिमाचल के लिए लेकर आए हैं, तो यहाँ तक सिलेक्ट होना किस तरह का प्रोसेस रहता है पद्मश्री पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए 50 साल की मेहनत तो सबको दिखाई देती है, लेकिन फिर भी अगर पद्मश्री की बात करें तो किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है और आगे भेजा जाता है नाम, और आगे जाके जो है पूरे हिंदुस्तान में उसे सिलेक्ट किया जाता है? देखिए ऐसा है कि मैंने इतने सालों में, देखिए पहले ये शंकर दयाल शर्मा जी से लिया मैंने नेशनल अवार्ड लिया, फिर श्री प्रणब मुखर्जी जी थे उनसे मैंने लिया, ये शिल्प गुरु का लिया,
इस बीच मैंने वुमेन 95 की बेस्ट क्रॉप वुमेन 95 का लिया। स्वर्ण जयंती में मुझे उधर दिल्ली बुलाया गया था, जब ये इंडिया स्वर्ण जयंती मना रहा था वहाँ पर उन्होंने मुझे गोल्ड प्लेटेड एक सील दी और ऑनर किया मुझे उधर। और उसके बाद मैंने ये किया, ये नारी शक्ति का, ये पंडित ये जो रामनाथ गोविंद जी हैं इन्होंने दिया, नारी शक्ति का दिया। फिर अब ये देखिए ये पद्मश्री का, इसके लिए चौथा अवार्ड है मेरा जी। पर ये है, इसके लिए मैं ना 50 सालों से देखो काफ़ी स्ट्रगल करा मैंने, काफ़ी स्ट्रगल करा, पर ये है कि यहाँ तक पहुँच गई मैं। पर स्ट्रगल काफ़ी करा और मेहनत भी काफ़ी करी मैंने, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की मैंने इस तक पहुँच। स्ट्रगल की बात करें तो कभी आपको ऐसा लगा हो कि नहीं अब मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं, अगर आपको ऐसा लगा हो तो उस समय आपका किसी ने साथ दिया हो कि आपको आगे बढ़ने के लिए कहा हो कि नहीं आपको नहीं छोड़ना है, आपको करना है? क्योंकि कई बार होता है कि जो एक कामयाब इंसान बनने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा कोई पल आपके? देखिए ऐसा है कि होता है, जैसे थोड़ा आदमी थोड़ा सा कभी कभी ऐसा स्ट्रगल में आ जाता है टाइम की, और सोचते हैं कि बस अब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो उस वक्त मैंने बोला ना, इनके कज़न थे देव बड़ोत्रा जी, तो उन्होंने बोला नहीं भाभी जी आप ऐसे नहीं वो कर सकते हो, छोड़ सकते हो इसको, नहीं आपको कुछ करना है, करना है, मैं आपके साथ हूँ, हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना है। तो मैंने, उन्होंने मुझे बड़ी इस चीज़ के लिए, नहीं तो मैंने आज से कब कब का छोड़ देना था, मतलब काफ़ी थोड़ा सेहत भी ठीक नहीं रह रही थी, तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहन किया। और ये जो मैंने चंबा रुमाल के लिए जो देखिए एक नई मैंने जो मिनिएचर वाली पेंटिंग्स बनाई हैं, और ये जो मैंने जो नया मतलब इसका ये पैनल सेट जो बनाए हैं, उसमें एक मैंने जैसे उसका है कृष्ण लीला का पूरा, कृष्ण जन्म से लेके कंस वध तक के सीन दिए हुए हैं, और कुछ दुपट्टे, कुछ साड़ीज, वो सारा उन्हीं की प्रेरणा से उनके साथ बैठ के सिटिंग करके यहाँ तक जो मेरा जो सफ़र रहा उसमें उनका बड़ा ज़्यादा योगदान है मेरा। अगर वो ये सब नहीं मुझे मेरे साथ बैठ के करते तो शायद मैं यहाँ तक इतना सारा वो जो था ना अलग जो हटके बनाना था वो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सो अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, ये मेरी पद्मश्री मतलब सुनने से पहले ही वो बेचारे चले गए, अगर होते तो शायद बहुत खुश होते, बहुत खुश होते। इस बीच और लोगों ने भी बहुत साथ दिया मेरा, ऐसी बात नहीं है। जैसे दिल्ली में जाती थी तो जैसे जितेंद्र जैन जी थे, तो वो भी उन्होंने क्राफ्ट म्यूजियम में जैसे जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगाती थी तो काफ़ी समझाते थे कि नहीं ललता ऐसे नहीं, ऐसे करो आप बस। बाकी जैसे हमारे हैंडीक्राफ्ट के ऑफिस में जो है डीसी वगैरह मतलब जी, जैसे यहाँ एक आए इधर ये दिवेश जी थे, आए इधर चंबा में, तो उन्होंने बोला नहीं ललता मैडम आप कुछ करके, आपका हाथ बहुत अच्छा आप कुछ कीजिए। तो मैंने बोला आपको क्या चाहिए, मैंने कहा सर एक 6 महीने का ट्रेनिंग सेंटर दे दीजिए, तो मैंने कहा आप मैं कुछ कर देती हूँ। तो डीसी ऑफिस के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, तो वो मैंने पहली बार सोचा वो प्लान जो था कि एक जैसे उसमें लगा हुआ है ऑफिस में उनके एक सुई का जो हमारा चंबा का मतलब जैसे चंबा का नाम जो पड़ा सुई का जो मेला लगता है कैसे मतलब उसका बनाया, एक मैंने मिंजर फेयर का बनाया और एक बनाया मणिमहेश यात्रा का, हमारे चंबे की तीन चीज़ें फेस में। तो मैंने ये मैंने और बड़ोत्रा जी ने मिल के वो तीन पूरा पैनल का सेट बनाया हम लोग, जो कि पूरा सक्सेसफुल रहा फिर। और इसके बाद हमने जब मुझे वो मिला तो वो पेंटिंग जो बनाई ना वो ब्यूटीफुल, वो तो रिकॉर्ड ही है दुनिया में कि कोई नहीं बना पाएगा उनको जी। तो इस तरह से आपकी जो है जो कठिनाई थी वो भी सोल्व हुई है और आप आगे बढ़ती गई बढ़ती गई, और आज वो समय आ गया जहां आपको पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। तो आप अवार्ड लेने के लिए कब जा रही हैं? अभी तो टाइम लगेगा शायद थोड़ा सा, एक तो ये कोरोना की वजह से थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा तो टाइम लगेगा उनको, तो शायद गर्मियों तक, शायद गर्मियों तक शायद हो जाए। तो वो आज भी चिट्ठी आई है उनकी कि हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो आप उस वक्त आपको आना पड़ेगा उधर भी जी। पद्मश्री की बात करें तो इस अवार्ड में क्या क्या मिलता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इसमें एक हमें वो ही देते हैं पेपर देते ना, वो सर्टिफिकेट देते हैं, इसमें तो बाकी कुछ नहीं मिलता है, शायद वही मिलता है, मुझे इतना ज़्यादा वो भी नहीं है इसका कि क्या मिलता है। पर वैसे मैंने सुन के रखा है कि इसमें कोई मतलब वो नहीं मिलता है, वो
मैं शायद पता नहीं मेडल भी देते होंगे पर वो नहीं, जैसे देते थे ना जैसे पैसा देते हैं, जैसे नेशनल अवार्ड मिलता तो 1-1 लाख रुपया मिलता है, तो वो शायद पैसा शायद इसमें नहीं मिलता है। ठीक है जी। तो बात करें आपके परिवार की, तो आपके परिवार के काफ़ी ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जो है चंबा का नाम उन्होंने भी रोशन किया है, तो एक ही परिवार में इतना टैलेंट है। तो जैसे कि आपकी बहू हैं, बहुत कम देखने को मिलता है सास बहू का ऐसा तालमेल, लेकिन हमने देखा है आपने जो मिसाल कायम की है, तो उन्होंने आफ्टर मैरिज स्टार्ट किया है या आपको देख के या उससे पहले वो सीख के आई थी, किस तरह से उनका भी सफ़र स्टार्ट रहा है ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ऐसा है कि पहले तो उसने नहीं सीखा था, 15-16 साल हो गए उसकी मैरिज को, तो मैरिज के बाद ही उसने शुरू करना कर दिया था। जब मुझे देखा ना उसने कि मैं ये बना रही हूँ ये रुमाल और एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ, तो मैरिज के 3-4 दिन के बाद ही उसने बोलता ना मुझे भी करना है मम्मा ये वाला काम ना, तो मैंने कहा बैठो भाई आप भी सीखो। पर यह है कि उसकी लगन अच्छी थी, करती रहती थी सारा काम, समझाती रहती थी, मेरे साथ लगी रहती थी साथ साथ में, काफ़ी अच्छा हाथ है उसका। अभी उसने कुछ एक चीज़ें बनाई हैं बहुत सुंदर बनाई हैं, कलर्स की बहुत सुंदर बनाई है। वही ना कि हम लोगों को लगता है कि वो भी उनके साथ बड़ोतरा जी के साथ जुड़ी हुई थी जी। तो वो भी सोच रही कि देखो मुझे मिला तो वो अब रहे नहीं बेचारे, तो उसने भी काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी मेहनत 16 सालों से काफ़ी मेहनत करी उसने, 2 बार दिया उसने, वो 3री बार उसकी सिलेक्शन हुई जी 2 बार। तो इस तरह से जो परिवार, जो एक ही परिवार जो है इस तरह से चंबा का नाम रोशन कर रहा है, तो हमें बहुत गर्व हो रहा है। और आपके बेटे हैं उन्हें भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो उनके बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। वो ज़्यादा तो नहीं मैं बता पाऊँगी उसके बारे में, क्योंकि वो फोटोग्राफी करता है, जैसे गुजरात टूरिज़्म के साथ जुड़ा हुआ था, हिमाचल गवर्नमेंट के सारे हिमाचल टूरिज़्म के साथ, तो वो स्टिल फोटोग्राफी करता है अपनी, पता नहीं जी मुझे इसके में ज्यादा अंदाजा नहीं है क्या करता है, लेकिन अलग पहचान बनाई है एक फोटोग्राफर में भी, एक फोटोग्राफी में भी अलग। काफी अवार्ड लिए हैं उसने, ये फोटो काफी वो जीता है उसने, ये इतना मुझे मालूम है कि उसने मेडल बहुत जीते हैं, पर वो नहीं बात मुझे क्या करता है जी बिल्कुल। तो ये इतना प्यारा फैमिली है और इतनी टैलेंटेड फैमिली है, हमें बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों के साथ बैठ के या बात करके उनके बारे में जान के। तो वैसे इसके अलावा भी आपकी कुछ हॉबीज होंगी, आप मूवीज देखती होंगी, किस तरह से मूवी देखना पसंद करती होंगी? बहुत कम, बहुत कम मूवी, नहीं मूवी और ये जो टीवी है तो इतना टाइम ही नहीं मिलता है जी। क्योंकि मेरा टाइम बड़ा फिक्स होता था, इतनी स्ट्रगल देखो ना, मैंने एक रिकॉर्ड, एक मेरा हमारा शिकार का एक मेरे ख्याल से पता नहीं शायद ये जो रुमाल इतना दिख रहा है इतना बड़ा पीस है, तो मैंने डे एंड नाइट करके 1 हफ्ते में निकाला था, सोचिए आप डे एंड नाइट करके, जो कि 3 महीने का काम पूरा 8-10 दिन में मैंने 10 दिन में मैंने ख़त्म किया वो पीस। तो आप सोचिए मेरा, मेरे पास टाइम कहाँ मिलता था टीवी देखने का या मूवी देखने का, तो मैं तो सुबह जैसे उठ के जल्दी से 4 बजे उठ जाती थी सुबह, नहा धो के अपनी थोड़ा पूजा वगैरह करी, नाश्ता वगैरह कराया सबको, 9 बजे 9:30 तक फ्री होती थी, 10 बजे पूरी क्लासें लगाती थी, 1 बजे तक, फिर 1 से 2 लंच, फिर 2 से 5 बजे तक क्लासें, फिर क्लासों के बाद फिर थोड़ा चाय पानी, फिर रात का खाना, फिर रात को 8-9 बजे बैठती थी, तो 3-3 बजे तक बैठी रहती थी रात को। तो ये रात दिन की मेहनत ही है जो आप चौथे अवार्ड के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं मैम। तो जैसे एक होता है ना मन में कि अभी मुझे ये चीज़ भी करनी थी या कुछ रह गया हो आपकी लाइफ में कि छूट गया हो, क्योंकि 4 अवार्ड तो आ गए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन कुछ आपको लगा हो कि ये चीज़ छूट गई है? नहीं, ऐसे ज़िंदगी में मैंने एक बात देखी है कि अगर आप लोग सच्चे दिल से मेहनत से लगन से कुछ करते रहो आप गिरोगे ज़रूर, फिर उठ के खड़े हो जाओ आप, तो मुझे लगता है कि सक्सेसफुल आदमी हो ही जाता है, बन ही जाता है जी, लगन हो तो बन ही जाता है जी। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हो कि किस तरह मेहनत करें, कैसे आगे बढ़े और आने वाले समय में चंबा का नाम रोशन करें? ऐसा है कि अगर युवा पीढ़ी काम करने पे आए तो कर सकती है बहुत ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला ना कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है जी। मतलब उसको सक्सेस बनाना, मुश्किलें आएंगी आपको, पेशेंस रखनी पड़ती है। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे जो आगे कुछ दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनको इसमें चंबा रुमाल में इंटरेस्ट है, तो मैं सोचती हूँ कि इस कला को ये आगे चलाएं अपना, और मैं तो ये चाह रही हूँ कि ये लोग आगे बढ़ते रहें,
आगे दूसरी पीढ़ी भी बढ़ते रही थी। इसी देखो अब हम लोगों ने जहाँ तक इसको पहुँचाना था पहुँचा दिया, इसको हाइलाइट कर दिया काफ़ी जगह, और इसका अलग से हटके भी थोड़ा काम किया। तो मैं चाहूँगी कि मेरे से भी कोई आगे निकले, मेरे से भी आगे कोई यहाँ चंबा के जो हैं वो जाएं, इतनी पेशेंस रखें, इतनी मेहनत करें और इसमें सक्सेसफुल हों और इसका नाम और भी आगे चंबा रमार बढ़ाएं। जी जी बिल्कुल, जैसे कि ये बोल रहे हैं हमें, हम शायद कुछ लोग जो होंगे वो सिर्फ सुनेंगे, लेकिन हमें, हम जानते हैं, मैं भी जैसे कलाकार हूँ, हम लोगों ने भी चंबा रुमाल झांकी में जब 26 जनवरी में रिप्रेजेंट किया था तो बहुत प्राउड फील होता है जब उस प्लेटफॉर्म में हम लोग होते हैं और अपना ट्रेडिशनल ड्रेस, अपनी लैंग्वेज जब हम वहाँ पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बहुत प्राउड फील होता है कि हम लोग हिमाचली हैं, चंबा से हैं। तो जो भी जिस भी फील्ड में अपना काम करना चाहे वो मेहनत करें और कई अवार्ड जो है हमारे चंबा के लिए आ सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। देखो मेहनत करनी है। एक पुरानी कहावत है जैसे हमारे चमियाली में उसको बोलते हैं कि ऐसे अगर चप्पल को भी, चप्पल भी अगर गांठ लगानी है ये चप्पल को तो उसकी मास्टरी आनी चाहिए। तो इसका कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप करो तो अगर उसकी मास्टरी आपके हाथ में है तो वो सोचो आप सक्सेसफुल हो फिर उसमें। जी, तो बात करते हैं कला के क्षेत्र में, वैसे आपको बहुत अवार्ड मिले हैं, अगर चंबा की बात करें इसे एक अच्छे प्लेटफॉर्म में लाना है, यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें, संस्कृति हमारी, कल्चर जो भी है या चंबा रुमाल है, तो आप क्या सोचते हैं उसके लिए किस तरह से लाया जाए बाकी की फील्ड की भी जो चीज़ें हैं, और आप सरकार और प्रशासन से क्या मांग करते हैं? देखिए मैं तो यही बोलती हूँ कि आजकल सरकार और प्रशासन बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कितना कुछ। हमारे टाइम पर ये सब कुछ नहीं होता था, जो आजकल बच्चों को, जैसे यही डीसी साहब जो हैं राणा, डीसी राणा, इन्होंने मतलब चंबा में आकर ये चंबा जो क्राफ्ट है इसको, मेटल का है चंबा, चप्पल का है या दूसरा है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आगे तक ले गए हैं। इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने इंटरेस्ट लेके ये काम किया है। मुझे लगता है कि मैं तो अपनी तरफ से इनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने चंबा में आकर चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, मेटल, ये मतलब थाल वगैरह जो हैं, कहाँ से मतलब इतना ज़्यादा इसका मार्केटिंग बढ़ा दी है इतनी कि लोग ईजी और आसानी से कहीं भी इसको बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इतने उन्होंने मतलब वो सारे खोल दिए दरवाजे इसके, तो इसके लिए तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि सचमुच हमारे टाइम पर ये सब नहीं था। बहुत मुश्किलें आती थी हम लोगों को सेल करने में, वो करने में, पर आजकल तो गवर्नमेंट का भी मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि इतना कुछ है। बच्चे देखो ट्रेनिंग्स करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं फ्री, क्या सामान मिलता है, ये चीज़ मिल रही है उनको, वो चीज़ तो गवर्नमेंट तो काफ़ी कुछ करती है। जी तो पहले के समय से अभी का जो समय है वो बहुत बदलाव हुआ है, तो अब जो युवा पीढ़ी है वो किस तरह इस कढ़ाई के साथ जुड़े, क्योंकि उनमें इंटरेस्ट लाना बहुत ज़रूरी है। जी ये है कि वैसे युवा पीढ़ी तो बहुत कम इंटरेस्ट रखती है इसमें, पर फिर भी कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो कि रखते हैं इसमें, जुड़े हैं और कर भी रहे हैं, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं अब तो, और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो मैम चंबा हलचल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से सभी हिमाचल वासियों का, सभी बाकी जो लोग मतलब मुझे इतना प्यार करते हैं उनका, सभी और अपने देशवासियों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ। जी थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे साथ ललिता वकील जी, जिन्हें हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है अभी पद्मश्री के लिए और ये तैयार भी हैं अभी जाने के लिए, और चंबा में बहुत जल्द जो है वो पद्मश्री अवार्ड आने वाला है। तो हमारे साथ थे ललिता वकील जी, जिनके सफ़र के बारे में हमने जाना और आप तक जो है इनका सफ़र पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।